चर्चा की मांग की और इन सब के बीच भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि गृह मंत्री घायल जवानों से मिलने अस्पताल तक नहीं गए, लगातार जवान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जवान सिर्फ शहादत के लिए बने हैं, और बड़ा सवाल तो ये कि मंत्री जी तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल के दौरान सुकमा नक्सल अटैक का मामला सदन में उठा। कांग्रेस ने स्थगन के जरिए चर्चा की मांग की। प्रदेश में लगातार हो रही नक्सली वारदातों पर स्थगन के जरिए विपक्ष ने चर्चा की मांग की। गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया। आपको बता दें कि 18 फरवरी को सुकमा में नक्सली वारदात हुई थी। पुलिस नक्सलियों के बीच चली 5 घंटे की मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। भूपेश बघेल ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद भी नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि जबकि नक्सली हमले का अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन अलर्ट के बाद भी सतर्कता नहीं बरती गयी। गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि नक्सलियों की गतिविधियों पर सरकार ने अंकुश लगाया है। उन्होंने साथ ही कहा कि 2016 में सुरक्षा बलों के साथ 211 मुठभेड़ हुए थे। इस मुठभेड़ में 150 माओवादियों को मारने में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि 135 माओवादियों की बॉडी भी फोर्स ने रिकवर की। उन्होंने ये भी कहा कि सुकमा में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। घायल जवानों को उठाए जाने के दौरान 2 जवान शहीद हो गए, 14 जवान घायल हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल भेज्जी में हुई बड़ी नक्सल घटना के बाद भी इस इलाके में सड़क बनाने में कामयाबी मिली है। ये नक्सलियों की बटालियन का एक कोर एरिया है। गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने 1000 राउंड फायरिंग की, जिसमें दर्जनों नक्सली मारे गए हैं। एसटीएफ डीआरजी के जवानों ने वीरता से नक्सलियों का मुकाबला किया है। गृहमंत्री का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही कोबरा की टीम को मौके पर भेज दिया गया। घायल जवानों को भेज्जी थाना लाया गया था और वहां से रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अभी घायल जवानों की हालत बेहतर है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार आक्रामक अभियान चला रही है। 1589 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इससे सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया। शहीद जवानों को मंत्री जी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी, ये कहना था भूपेश बघेल का। इधर भूपेश बघेल ने कहा कि गृह मंत्री घायल जवानों से मिलने अस्पताल तक नहीं गए, लगातार जवान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या जवान सिर्फ शहादत के लिए ही हैं? भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि तक देने नहीं गए। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हाँ, तो नक्सलवाद को लेकर आज सदन में हंगामा हुआ, और क्या कुछ हुआ नक्सलवाद के लिए, क्या कुछ चर्चाएं हुई, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में लगातार हो रही नक्सली वारदातों पर स्थगन के जरिए विपक्ष ने रमन मोदी जी के बाद पूरा झूठा निकला है। ना नक्सल खत्म हुआ, ना आतंकवादी खत्म हुआ है। यहाँ के देश का पैसा, पूरा देश का पैसा को झोला में भर भर कर मोदी लोग, छोटे मोदी बड़े मोदी भाग रहे हैं। यह सरकार फेल हो चुका है, इसलिए हम लोग विधानसभा में लगातार इस बात को उठा रहे हैं और सरकार जवाब देने के लिए भाग रहा है। सबके लिए बराबर है, और झीरम घाटी जैसे अत्यंत संवेदनशील और देश स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड
के सिलसिले में सरकार की जो लापरवाही रही है और एक गंभीर षड्यंत्र की बात इसके पीछे जो है उसको उजागर करने में मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के राज्य मंत्री गृह को जब कोर्ट में आने के लिए कहा गया है उनको आना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ नहीं बोलना चाहते हैं कोर्ट के पवित्र दायरे के अंदर, और इससे उस बात को और बल मिलता है कि कुछ छुपाने की बात है। आप जॉइंट कमांड के हेड हैं, सारे आईबी की इनपुट आपके पास जाते हैं। एक जिम्मेदार दैनिक समाचार पत्र ने इस बात का प्रकाशन किया था कि 26 से ज्यादा इनपुट 8 मई 2013 और 25 मई जो धीरम घाटी की घटना है उसके दरमियान कम से कम 26-27 आईबी के लिखित इनपुट आए थे झीरम घाटी में नक्सली घटना के संबंध में। और जब ये जानकारी आपके पास है तो आप जाके उसमें कोर्ट के सामने क्यों नहीं बता रहे हैं? नहीं है उसको आप क्यों नहीं बता रहे? कितने जॉइंट कमांड की मीटिंग आपने बुलाए? क्या ये सही है कि 9 महीने तक मीटिंग नहीं हुई इसलिए आप बचना चाह रहे हैं? जो रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए थी जॉइंट कमांड की, कितने दिनों में आपने की? झीरम घाटी की घटना के आईबी के इनपुट्स मिलने के बाद आपने मीटिंग की क्या? वहां पर आपको मालूम था कि कांग्रेस का काफिला जा रहा है? मालूम होना चाहिए प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को। तो ये जानते हुए कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक आपसे हुई है या कहीं ना कहीं आपके तंत्र में संलिप्तता हुई है जिसके बिना संभव ही नहीं है कि 2 दिन लगातार आप पूरे प्रोटेक्शन दीजिए कांग्रेस के काफिले को और 25 तारीख को एक व्यक्ति को भी आप तैनात न करिए उस संवेदनशील क्षेत्र में। ऐसे बातों के जवाब से बचने के लिए कोर्ट के जांच के दायरे से ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाने वाली बात है और इसी से वो शंकाएं सामने आती हैं कि क्या बात है, सामने क्यों नहीं जाना चाहते आपको, क्योंकि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से बंधे हुए हैं, आपसे दूसरे दायरे से जानकारी नहीं ली जा सकती है, कोर्ट में तो बात आ सकती है, तो क्यों बचना? कोर्ट में जाके आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं है, क्यों उससे बचना? कोर्ट में किया जा चुका है, कोर्ट में लिखित में ये आग्रह किया जा चुका है कि देश के उस समय शायद शिंदे जी थे उनको बुलाया जाए, देश के राज्य मंत्री मेरे ख्याल से आरपीएल सिंह जी थे उनको बुलाया जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे उस समय उनको बुलाया जाए, और गृह मंत्री शायद ननकी राम कंवर जी थे उनको बुलाया जाए, नामजद चारों के लिए। इसमें कोई दलगत बात नहीं है कि राजनीति की जा रही है कि भाजपा वालों को बुलाओ। कांग्रेस के भी जो केंद्र के गृह मंत्री थे और राज्य मंत्री थे दोनों के लिए कहा गया है कि आप भी यहाँ पर आके अपनी बात को रखें, क्योंकि उन्होंने भी पार्लियामेंट में जानकारी दी है। तो आपके पास पार्लियामेंट में जो आपने जानकारी दी वो पार्लियामेंट के संपत्ति हो गई, लेकिन बाकी जानकारी जो आपके पास है उसके लिए तो कोर्ट में आके आप बता सकते हो कि क्या क्या आपको मालूम है। तो ये चारों लोगों को कोर्ट में आने के लिए एप्लीकेशन लगी है, और मैं समझता हूं कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड में हर व्यक्ति जिसको बुलाया जाए उनको कोर्ट में आके अपनी बात कहनी चाहिए। एक देश एक चुनाव, ये एक और ढकोसला है, ये एक और जुमला है और एक और ध्यान भटकाने की बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी सी भी सोच रखता है वो इस बात को समझ सकता है कि 1952 में जब पहली बार चुनाव कराया गया था तो सारे चुनाव एक साथ हुए। ये क्रम कैसे टूटा? ये क्रम टूटा जब केरल की सरकार, सर्वप्रथम जब केरल की सरकार बर्खास्त हुई, तो 5 साल के कार्यकाल के भीतर जब कोई सरकार बर्खास्त होती है या गिर जाती है, वैसी परिस्थिति में जब आप चुनाव कराते हो तो 5 साल के लिए कराओगे। 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार चुनी गई, 5 साल में 1.5 साल बाद ये गिर जाती है किसी कारण से, 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, 5 साल के कार्यकाल के 2 साल निकल गए। अब जब आप चुनाव कराओगे तो 5 साल के लिए कराओगे, तो जब भी बीच में सरकारें गिरेंगी तो ये एक देश एक सरकार कैसे चलेगी? ये तो एक देश एक कर आपने बुद्धू बनाया उसमें भी कि एक रेट हम लगाएंगे, बड़ा सरल और क्या गुड एंड सिंपल टैक्स लगाएंगे, तो ना तो गुड टैक्स है ना सिंपल टैक्स है। एक साथ देश में चुनाव हो ही नहीं सकते जब तक कि आप ये कानून ना बदल दें देश का कि चुनाव में 5 साल के लिए ही सरकारें रहेंगी, अगर बीच में सरकार गिरती है तो 5 साल के लिए नहीं चुनी जाएगी, वो शेष समय के लिए रहेगी। तो ये एक साथ चुनाव का बिल्कुल ढकोसला है, आप ये कानून बदलिए
की जो सरकारें हैं, अटल बिहारी जी आए थे एक डेढ़ साल के लिए, फिर उनकी सरकार गिर गई, फिर आए वो पांच साल के लिए, तो वो क्रम उसी हिसाब से चला। तो अटल जी कहते कि नहीं, हम तो डेढ़ साल के लिए राजी हैं, तब वो जाके कानून लागू होगा, तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्यों इतना दिमाग लगाना और देश के लोगों को भ्रमित करना? आप तो सीधे सीधे बात करो कि अब जो सरकार रहेगी सिर्फ पांच साल के लिए रहेगी, और पांच साल के अंदर दस बार सरकारें गिरेंगी तो छह छह महीने के लिए रहेंगी सरकारें। कहां बुद्धू बना रहे हैं इसमें भी सब। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगा था हमारा प्रश्न, जिसमें सरकार ने जवाब दिए है कि प्रशिक्षण संस्थान 1384 शासकीय हैं और 1215 निजी। इस तरह से 2584 केंद्र हम कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जिसमें 31 दिसंबर 2017 तक 1,83,56,044,326 रुपए खर्च किए हैं और लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं 3,53,614 लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं। प्रशिक्षण में 1,59,819 लोगों को ये लोगों ने कहा है कि हम स्वरोजगार बैंकों के माध्यम से दिलाएं, लेकिन सरकारी नौकरी या अन्य संस्थानों में कहीं भी कोई हमने इनको मदद नहीं कर पाया, नहीं दिया है कभी। और इस तरह से भी अगर इनकी भी बात मान लें तो 1,93,795 लोग प्रशिक्षण लेने के बाद भी अभी भी बेरोजगार है, जिसको सरकार ने कोई रोजगार मुहैया नहीं करा सकी और नहीं कहीं से कोई वित्तीय संसाधन देकर स्वरोजगार उपलब्ध करा सकी। इसी तरह से बलरामपुर जिले की बात हमने कहा था कि 900 मितानिन का अंबिकापुर बलरामपुर में 900 मितानिन का जो मितानिन है, मितानिन लोगों को सरकार ने कहा कि आप स्वरोजगार ये मुख्यमंत्री कौशल विश्वास प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण करने पे एनएम का प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और दो साल तक इन लोगों ने मस्तूरी बिलासपुर में प्रशिक्षण भी किया और प्रशिक्षण करने के बाद भी जब वापस हुए तो इनके मितानिन के भी पद को भर दिए गए और एनएम में भी सरकार ने नहीं लिया और प्रशिक्षण करने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं भी इनको कोई महत्व नहीं दे रही है, न ही प्राथमिकता दे रही है। आज उनको भूखे मरने की नौबत हो गई है। ये सरकार के गैर जिम्माना हरकत चल रहा है, इसलिए सरकार से बहुत ज्यादा लोगों में बेरोजगारों में आक्रोश भड़का हुआ है। उमेश पटेल जी ने भी ये बात कही कि आयोग के सामने मुख्यमंत्री को जाना चाहिए क्योंकि यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष हैं। कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा कि आपके पास जानकारी है तो आप दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं दूंगा, लेकिन एनआईए जांच समाप्त कर चुका है, क्लोजर रिपोर्ट वो सबमिट कर चुके हैं, आयोग जांच के दायरे से बाहर है क्योंकि षड्यंत्र है। तो ये आखिर किसके समक्ष हमारे पास जो जानकारी को रखें, और यही बात मैंने आज सदन में कही कि सीबीआई से जांच कराइए, सारी जानकारी हम लोग प्रस्तुत करेंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती जीरम घाटी की जो घटित घटना है उसका षड्यंत्र से पर्दा उठे। और यही कारण है कि न सरकार उस समय यूपीए की सरकार थी जब एनआईए की जांच घोषित किया, लेकिन नोडल अधिकारी हम लोग बदलने की मांग की, बदले नहीं। और एनडीए सरकार जब थी तब एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया, फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि इस निशंस हत्या जो हुई हमारे नेताओं के, उससे कभी पर्दा नहीं उठ पाएगा। और पीड़ित परिवार लगातार रमन सिंह जी से मांग करते रहे कि हमें गृह मंत्री जी से भारत के
मिलाइए, लेकिन वो मिलाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यही है कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही इसमें पूरी जानकारी है, और हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए लोग ही संलिप्त हो, तभी इसके तह में जाने के लिए रोक रहे हैं। मान लो मैं ये बताऊं कि गवाह के रूप में किसी व्यक्ति का नाम लूं, तो आखिर उस व्यक्ति का किसके, सबसे पहली बात मैं इस बात को किसके पास कहूं, नंबर दो ये यदि किसी व्यक्ति का नाम बता दो सुरक्षा कौन देगा। ये सारी बातें हैं, को हवा में बात करने की कोई औचित्य नहीं है, प्रॉपर फोरम है ही नहीं, ये जांच कर चुका है आयोग की जांच के दायरे के बाहर है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं जिसके सामने बात रखी जा सके। देखिए, झीलम घाटी निश्चित है कि एक दुखद घटना हुई थी, और उसके न्यायिक जांच चल रही है माननीय वहां पर जो न्यायालय में, उस विषय पर जो भी दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगा। और जहां तक जवानों का क्षेत्र में नक्सल समस्या, लगातार उस क्षेत्र में हमारे पुलिस के जवान बस्तर क्षेत्र में, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे जिलों का निर्माण किया है, और उन क्षेत्रों में पुलिस बल लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान भी और डीआरजी से और पुलिस स्टेट, हमने प्रदेश के पुलिस बल दोनों मिल करके हमारे नक्सली क्षेत्र के जो भी एरिया है हमारे बस्तर क्षेत्र का, उन क्षेत्रों में लगातार दबिश और सर्चिंग कर रहे हैं, और नक्सली बौखलाहट में कई तरह के वारदातें कर रहे हैं। उसमें हमारे पुलिस के विभाग के जवान घबराए नहीं है, लगातार हमारी सरकार की इच्छा, दिल्ली इच्छा शक्ति के कारण उन क्षेत्रों में दबाव बना रखे हैं, और नक्सलियों पर नियंत्रण करने के लिए ही जिलों का निर्माण किया गया, और विकास के माध्यम से नक्सल समस्या को समाप्त करने की योजना बनी है। इसे लगता है कि आने वाले समय में, मैंने कहा कि सुकमा जैसे एक ब्लॉक मुख्यालय था उसको जिला का निर्माण कर दिया, नारायणपुर एक ब्लॉक स्थिति था उसको जिला बना दिया, आपका बीजापुर भी एक ब्लॉक मुख्यालय था उसको जिला बना दिया गया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज बस्तर क्षेत्रों में नक्सली एक सीमा पर सिमट गए हैं, और बौखलाहट में वारदातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे उसकी हमारे पुलिस सुरक्षा बल के जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा, उन क्षेत्रों में हम विकास करेंगे और उस क्षेत्र से नक्सल समस्या समाप्त करेंगे। ठीक है।